सो हे हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रागी मोटो ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर बिकॉज मेरी बाइक में कुछ इश्यूज आ गए हैं, इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया है। तो ये देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है इंजन की, तो कुछ फॉल्ट आ गया इसलिए लाइट ब्लिंक करती है, अदरवाइज ये ब्लिंक नहीं करती है। तो वैसे तो मुझे सर्विस करानी थी बाइक की, बट अभी प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर और बाइक की कराएँगे सर्विस। तो वैसे तो देखो, बाइक हम जब नई लेते हैं तो एक साल डेढ़ साल काफ़ी अच्छी चलती है, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स चेंज कराने होते हैं। तो मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए तकरीबन डेढ़ साल कंप्लीट कर लिया मैंने। तो इसमें अभी चैनसेट पूरा ख़त्म हो चुका है, तो मुझे इसमें चैनसेट डलवाना है और टायर भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके घिस चुके हैं। एक तो मेरे उसके अंदर बहुत बड़ा पंचर हो चुका है, तो वो मैंने अभी रिपेयर करा लिया है, काम चल रहा है। तो अगर टाइम बचता है तो हम टायर भी चेंज कराएँगे, बट मेन मुझे अभी सर्विस करानी है बाइक की और चैन सेट जो पूरा घिस चुका है उसको चेंज कराना है। तो अभी डेढ़ साल में इसके अंदर सिर्फ मेरा चैन सेट घिसा है, और जैसे डिस्क पैड है वो तो कॉमन सी बात है, डिस्क पैड घिस जाते हैं 6-7 महीने के अंदर अंदर घिस जाते हैं। तो मैंने इसको इसमें चैन सेट जो है वो 2 बार चेंज करा चुका हूँ, इसमें जो डिस्क पैड है वो मैं ऑलरेडी 2 बार चेंज करा चुका हूँ डिस्क पैड। तो अभी डिस्क पैड नए लगवाए थे कुछ टाइम पहले ही, तो डिस्क पैड तो अभी चलेंगे, बट इसके जो चैन सेट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मेन मैं चैन सेट चेंज कराने जा रहा हूँ, और अगर टाइम बचता है तो मैं इसमें टायर भी चेंज कराऊँगा। सो गाइस, ये रही अपनी बाइक, और अभी इसको यूज़ करते हूँ मुझे डेढ़ साल तकरीबन डेढ़ साल हो चुके हैं, और इसमें कुछ इशूज़ आने लगे हैं मेरे को। जैसे ये देख सकते हैं, इसमें इंजन की लाइट जल रही है, इसमें इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इसको वो चेक कराना है। और इसमें चैन सेट ख़त्म हो चुका है, इसको मुझे डेढ़ साल ही हो गए यूज़ करते हुए। मेरी बाइक चल चुकी है 18,000 किलोमीटर, और कंपनी क्लेम करती है 12 से 15 हज़ार किलोमीटर पर चैन सेट चेंज कराना होता है, बट मेरा चैन चल रहा था तो मैं इसको चला रहा था, बट अभी ये पूरा ख़त्म हो चुका है तो इसको चेंज कराना है। और इसमें जो टायर देख रहे हैं आप, ये टायर में इतना बड़ा पंचर है, इसमें इतनी बड़ी इसमें पत्ती घुस गई थी, इसमें 5 पंचर एक साथ लगे हुए हैं। तो अगर टाइम बचता है हमारे पास तो इसका टायर भी चेंज कराएंगे और नए MRF के टायर लगवाएंगे। ये भी ऑलरेडी MRF का लगा हुआ है, पर थोड़ा इससे बेटर क्वालिटी का लगवाएंगे इसके अंदर। तो तकरीबन मुझे डेढ़ साल हो चुके इस बाइक को यूज़ करते हुए, और इसमें अब तक सिर्फ चैन सेट ही ख़राब हुआ है। देखो, आपको साउंड सुनाता हूँ बाइक का, देखिए कैसे साउंड कर रही है। तो पहले इंजन चेक कराएंगे इसमें, और जो नॉर्मल बेसिक सी सर्विस होती है वो करवाएंगे। सही नहीं बोल रहा। तो गाइस, अभी क्या है कि मैं जब बाइक को रैप कर रहा हूँ ना ऐसे, तो बाइक साउंड बहुत ज़्यादा कर रही है बिकॉज ऑफ इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है इसके इंजन में, तभी ये इशू आ रहा है, और हीट भी बहुत ज़्यादा कर रही है। तो इसमें कूलेंट रिफिल कराऊंगा बिकॉज हीट का कारण ये हो सकता है, क्या पता कूलेंट ख़त्म हो, कूलेंट का लेवल कम हो गया हो। एक लिमिटर होता है कूलेंट का, उस लिमिट पर रहेगा तो इंजन ज़्यादा हीट नहीं करेगा, कूल करता रहेगा। तो चलते सर्विस सेंटर और देखते हैं इंजन में क्या कुछ फॉल्ट है, और वैसे चैन सेट तो चेंज कराना है, और नॉर्मल एक सर्विस जो होती है वो सर्विस करानी करानी है। एक तो इन लोगों ने सर्विस सेंटर वहाँ से यहाँ शिफ्ट, पहले मंगोलपुरी में था वहाँ से इन लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया पीलेगढ़ी, तो यहाँ तक आने में ना ट्रैफिक का कुछ ज़्यादा सामना करना पड़ता है। गली कोपचे में खोल दिया सर्विस सेंटर। आज तो हो जाएगी सर्विस, आ गया ना गणेश, यही है ना, इस पे दिया था आपने, भूल गए क्या? नहीं अपने दे, इसी में बना के दे दिया है ना आपने। प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है, आ जाओ दिखाता हूँ बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। कौन चेक करे, गणेश फ्री है ना?
लगा पड़ा हो तो काम में। यार वो लागे और देगा पेस्ट पेस्ट ना। चलो ले आता हूँ, कूलेंट में लेके आया हूँ। अगर कूलेंट की कमी है तो कूलेंट डाल देना। दोनों के डिस्क ना लग नहीं रहे, डिस्क साफ़ करने पड़ेंगे। बाहर से नहीं, एक तो इसे डलवा रखी है, एक डलवा रखी है बाहर से। हाँ पिछले बार की है, अगला भी आवाज़ कर रहा भाई। अच्छा तो आगे वाला थोड़ा साफ़ कर देना, निकाल करके ऐसे कर देना, ठीक है। और इसके जो ब्रेक कोयल है ना, ब्रेक कोयल साफ कर करके दूसरा भर देना, कि 1.5 साल हो गए तो चेंज कर देना उसको, ठीक है। और बाकी इंजन साउंड देख लेना, और कई बार होते ना मिसिंग मार देती है स्टार्ट। हाँ FI करा रखी है, बिल दिखाऊँ पिछला। हाँ 8447528914। इसकी वो करानी थी ना, फिटनेस चेक करानी थी उससे, मशीन आपकी बंद थी उस टाइम पे। पेट्रोल तो भाई पेट्रोल पम्प से ही एक्स्ट्रा। क्या कौन से वाले से? रिठाला से, इंडियन। चाहे एक बार वो दिखवा दो ना गणेश को, चला के देख लेगा एक बार। क्या क्या हुआ है? नॉर्मल है, इंजन ऑयल फिल्टर फेल कर रहा है, चैनल एयर फिल्टर कूलेंट। कूलेंट है मेरे पास है ना? हाँ बताओ तो सही। हाँ तो बोल देना कूलेंट है मेरे पास। और एक बार चैन सेट चेक कर लेना। इसके टायर होंगे आपके पास? टायर टायर नहीं मिलेंगे। अच्छा कट गया फट गया है टायर। बैटरी भी डालते हैं, बैटरी भी ले खुद ही लेके। सही है, जैसे क्या होता है ना, गाड़ी 2 दिन खड़ी रहेगी ना, 1 दिन 2 दिन तो स्टार्ट करूँ, स्टार्ट नहीं होगी। 2-3 सेल्फ मारने पड़े तो जाके स्टार्ट होती है। भाई सामान दिखाने का क्या है? तो भाई ये है चैन सेट, ये इंजन ऑयल फुली सिंथेटिक, और एक ये ऑयल फिल्टर। एयर फिल्टर नहीं लिखा था भाई? एयर फिल्टर भी होगा ना? एयर फिल्टर, एयर फिल्टर। हाँ क्लीन हो तो कर देना, नहीं हो ना फिर चेंज कर देना उसको। अगर हो जाए क्लीन, चलने वाला हो तो कर देना, नहीं है तो फिर चेंज कर देना, क्योंकि कह रहे हैं चूहे घुस जाते हैं इसके अंदर, कूड़ा कचड़ा देख लेना। और दवाई डाल रखी है, फेंकना मत उसको, बेस साइड में रख देना, बाद में डाल देना।
कितना हो भैया? कार्ड पे मिनट है, बुला लेना मैम को एक बार। सुबह बिल पेमेंट हो गई, बिल पेमेंट टोटल बनाया 3,666 रुपये 63 रुपये। ओके कार्ड रख लिया। साउंड काफ़ी रिफाइंड हो गई है, बस वॉशिंग करा लेते तो और ज़्यादा रिफाइंड हो जाती, पर वॉशिंग कराई नहीं। संदीप भाई वॉशिंग पेंडिंग रह रही है, वॉशिंग पेंडिंग रह रही है, डाल देना इस पर। भाई सर्विसिंग हो गई और बाइक थोड़ी अब पहले से काफ़ी बेटर है और चैन भी आवाज़ नहीं कर रही, तो वॉशिंग पेंडिंग रह गई है। वॉशिंग मैं कभी भी आके करा लूँगा बाद में जब टाइम मिलेगा तब। सो यार